अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये बंदा एनर्जी एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कल 3 या 4 घंटे बारिश हुई और आज भी हमारे प्यारे शहर में 3 से 4 घंटे बारिश हुई। बारिश के बाद दोस्तों आप हमारे शहर का हाल देख रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। पानी इतना ज़्यादा जमा हो गया कि दुकानदारों ने मजबूरन अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। दोस्तों, अगर इस जगह की लोकेशन की बात करें तो ये मेन लोकेशन है हमारे प्यारे शहर की, वो सामने मौलाबश्क होटल भी है, फैज फ्रंटियर चप्पल मेकर उधर है और इस तरफ कमेटी गुलाई हो गई, वो सामने पीआई का पुराना दफ्तर है और इधर हबीब बैंक है, यानी कि ये मेन जगह है हमारे शहर की। और हालत ये है कि यहाँ पर कश्तियों की ज़रूरत है दोस्तों। Few moments later. अब दोस्तों हम जा रहे हैं ट्रैफिक चौक की तरफ, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं आगे कोई मेन होल ना हो। ये देखें दोस्तों, फैज चप्पल मेकर कदीमी दुकान है इनकी, एक दुकान आगे भी है, अक्सर दुकानें बंद हैं। मोटरसाइकिल की हालत देखें दोस्तों, तकरीबन कोई 2 फुट पानी होगा दोस्तों सड़क पे। ये देखें फैज फ्रंटियर चप्पल मेकर, असली कदीमी मौलाबाज होटल भी हमारे सामने है और ये है काशिफ स्वीट एंड बेकर। और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी दरिया में आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जैसे तैसे करके इस दरिया से हम निकल आए हैं, मगर ये है हमारे प्यारे शहर का मेन रोड, ये ट्रैफिक चौक है। मगर अब फिर दोबारा बारिश शुरू हो गई है दोस्तों, यानी कि इस पानी में मज़ीद इजाफा होगा। ये सामने बाटा शॉप हो गई। अब दोस्तों हम ट्रैफिक चौक से कमेटी की तरफ जा रहे हैं, शुक्र है हमारे आगे एक कार है, इस तरह मैं ज़रा ख़ुद को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगर कोई गढ़ा वगैरह हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। बड़ा प्यारा बैनर लगाया हुआ है कार ने, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। ये देखें तो वर्ल्ड सिटी मोबाइल हो गया, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। अक्सर लोगों की मोटरसाइकिलें ख़राब हो गई हैं, जैसे तैसे करके अल्हम्दुलिल्लाह हम कमेटी वाली जगह पे अब दोस्तों आ गए हैं, वो सामने कमेटी गुलाई है। ये जगह ज़रा ऊंची है, यहाँ पे इतना पानी दिखाई नहीं दे रहा। सामने कदीमी मोहम्मदी सोन हलवा वाले, फलूदा और आइसक्रीम वाले भी हैं। ये है दोस्तों हमारे प्यारे शहर डीजी खान का दफ्तर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा अली खान। अगर इससे हम जनूब की तरफ बात करें, ये रास्ता कचहरी की तरफ जाता है और ये रास्ता भी पानी से फुल है, अक्सर दुकानें बंद हैं। मुझे तकरीबन दोस्तों 1 घंटा हो गया है वीडियो बनाते हुए, मगर मैंने कोई भी बंदा नहीं देखा जो कि इस पानी को निकाल रहा हो या कोई इकदाम कर रहा हो या कोई इस बारे में सोच रहा हो या कोशिश भी कर रहा हो, कोई भी यहाँ पे नहीं है दोस्तों। हालांकि ये हमारे प्यारे शहर की मेन जगह है, कमेटी गुलाई है। ये सामने अली पान और
सोडा वाटर वाले हो गए। ओवरऑल दोस्तों यहाँ का माहौल बड़ा ही टफ दिखाई दे रहा है, गंदा और ख़राब दिखाई दे रहा है पानी की वजह से। कमेटी गुलाई से दोस्तों अगर हम मगरिब की तरफ जाएं तो हम जाएंगे कलमा चौक की तरफ। जाने और आने का रास्ता आप देख रहे हैं, ये भी रास्ता फुल है पानी से। मेरा दिल कह रहा है कि मैं उधर जाऊं, मगर यहाँ पे दोस्तों ऐसे मेन होल बहुत ज़्यादा हैं और वो अक्सर खुले रहते हैं, तो ये रिस्क की बात है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी मेन होल में गिर जाऊं और मेरे लिए मसला हो। अब दोस्तों हम कमेटी गुलाई से शुमाल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अपने प्यारे घर की तरफ। वो सामने उस्ताद अल्लाह बख्श स्पेशल दूध बदाम ठंडे इमली का जूस वाले, रश वहाँ पे नहीं है क्योंकि आज मौसम ठंडा है, गर्मी नहीं है तो लोग पानी ज़्यादा नहीं पी रहे। ज्वेलरी की भी अक्सर दुकानें बंद हैं। दोस्तों अगर बर वक्त इंतज़ाम हो तो बारिश का ये साफ़ शफाफ पानी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं डैम वगैरह हो, मगर अफसोस यहाँ मुल्क की तो किसी को ख़बर ही नहीं है, बस हर बंदा अपना माल जोड़ने के चक्कर में है। शमसी गोल्ड सीमेंट एंड ज्वेलर बहुत मशहूर दुकान है ये डीजी खान की। अब पानी का कलर आप देख रहे हैं कि ब्लैक हो गया है, कि इनमें गटर का पानी भी इस पानी में मिक्स हो गया है और बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। इस चौक को अंधे वाली चौक कहते हैं। ये जूस की दुकान भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये सामने देखें दोस्तों उस्ताद रहीम अश्क हलवाई की दुकान, अल हुसैन सोडा वाटर। और यहाँ पे पानी देखें दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। दोस्तों आप भी कहेंगे कि मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे मेन होल से दोस्तों बहुत डर लगता है, बेइज्जती भी होती है इंसान की और पर्स मोबाइल वगैरह भी गिर जाते हैं और बंदे के कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, बाइक भी गिर जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके अब हम पाकिस्तानी चौक आ गए हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चरगा पॉइंट्स हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों यहाँ पे ज़रा अच्छा है, पानी नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तानी चौक क्रॉस करते ही दोस्तों फिर से हमारा इम्तिहान शुरू हो गया है। ये डीजी खान की मोटरसाइकिल मार्केट है और ये बड़ी मार्केट है जनूबी पंजाब की। इसके सामने भी आप देखें दोस्तों पानी बहुत ज़्यादा है, यानी कि दुकानों के सामने पानी बहुत ज़्यादा है, सारी दुकानें बंद हैं। हालांकि आज वर्किंग डे है मगर फिर भी ये दुकानें बंद हैं क्योंकि सारी ये मुतासर हैं बारिश के पानी की वजह से। मसला वही है दोस्तों, निकासी का इंतज़ाम नहीं है, कोई प्रॉपर तरतीब नहीं है। हमें पता है कि हर साल मानसून में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, हमें डैम बनाना चाहिए, हमें इकदाम करने चाहिए, मगर अफसोस यहाँ डैम कौन बनाए और इकदाम कौन करे, कोई पुरसाना हाल नहीं हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का। A few moments later, हमारे प्यारे शहर डीजी खान का मशहूर चौक जिसे फारा चौक भी कहते हैं, ये चौक भी दोस्तों फुल है पानी से। आप देख रहे हैं कि दुकानों में भी पानी जा रहा है। ओवरऑल इस चौक की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, चंद घंटों की बारिश ने इस चौक को भी ख़राब करके रख दिया है। शहर की गलियों में इतना पानी है कि अब यहाँ पे कारें जीपें मोटरसाइकिलें नहीं, मेरा तो दिल कहता है कि बंदा यहाँ पे कश्तियाँ चलाए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो कश्तियाँ बआसानी चलेंगी। दोस्तों आपसे भी गुजारिश है कि बारिश के दौरान सड़कों में निकलें तो बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि हमारे यहाँ मेन होल इतना महफूज नहीं होते, मेन होल खुले हुए होते हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर बंदा मेन होल में गिर जाए ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी बंदे के लिए। एक तो दोस्तों सड़कें फुल हैं पानी से, दूसरा आप देख रहे हैं कि घास वाले भी सड़क के ऊपर घास बेच रहे हैं, क्योंकि ये जगह ज़रा खुश्क है इसीलिए इन्हें भी मौका मिल गया है।
बाजार चौक से अगर दोस्तों मगरिब की तरफ यानी कि बड़ी टैंकी की तरफ जाएं तो यहाँ भी कोई हाल नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, बच्चे निहार रहे हैं पानी में। अब हम ऐसा ऐसा अपने प्यारे घर की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों यहाँ पे ज़रा रास्ता ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ज़्यादा पानी वाली जगह से तो हम निकल आए हैं। ये है हमारे प्यारे शहर की खाद मार्केट। रोड के दाएं तरफ आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत तो नहीं कह सकते, काफ़ी पानी है मगर इस तरफ ज़्यादा पानी नहीं है। अब हम चौक चुरट्टा के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। यह है दोस्तों चौक चुरट्टा का पुल, यहाँ पे काफ़ी सारी रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बारिश का पानी है मगर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेन होल नहीं है। ये सामने चौक चुरट्टा है, ये जगह कुछ बेहतर दिखाई दे रही है। चौक चुरट्टा पे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रश है, यहाँ पे फ्रूट और सब्जियों की रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोग अपनी पसंद की फ्रूट और सब्जियाँ ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चौक चुरट्टा पे काफ़ी रौनक है दोस्तों। दोस्तों मेरा ये ज़िंदगी का असूल है कि एक दुकान से मैं चीज़ें ख़रीदता हूँ और एक रेहड़ी वाले से चीज़ें ख़रीदता हूँ। हमारे प्यारे अहमद भी अक्सर मैं इन्हीं से फ्रूट ख़रीदता हूँ। अब हम इनसे अंगूर ख़रीदेंगे और ये अंगूर बेच रहे हैं 200 रुपये किलो, 2 किलो का हमने बोला हुआ है। इनके छोटे भाई यहाँ पर सेब बेच रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेब भी बड़े ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। बारिश से सारे फ्रूट और सब्जियां धुल गई हैं। कुछ चीज़ें दोस्तों हमने करियाना स्टोर से ख़रीदी हैं और कुछ फ्रूट वगैरह ख़रीदे हैं और सब्ज़ी में पालक ख़रीदी है। बंदा खाली हाथ जाए तो अच्छा नहीं लगता घर। दोस्तों आपसे भी गुजारिश है, जब भी अपने घर जाया करें किसी बाज़ार से या कहीं से भी तो कोशिश करें खाली हाथ ना जाया करें, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ लाजिम ख़रीदा करें। अब हमारा रुख सीधा है अपने प्यारे घर की तरफ, यहाँ भी थोड़ा बहुत बारिश का पानी दिखाई दे रहा है। दोस्तों बड़े हैरत की बात है कि शहर के बीचों बीच बारिश का पानी बहुत ज़्यादा है, कोई निकासी की वहाँ पे तरतीब नहीं है। A few minutes later. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों हम खैर से अपने गांव आ गए हैं। मॉनसून का मौसम है, आपसे गुजारिश है कि अगर आप गांव में रहते हैं तो यहां पे रास्ते कच्चे होते हैं और सहन भी, फिसलने का ख़ास ख्याल कीजिएगा। और अगर आप शहर में रहते हैं तो बिजली के खंभों से तारों से दूर रहें और मेन होल का भी ख्याल करें। ब्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।